हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मा एकेडमी। आज हम HEN 101 का एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट 3, जिसके हेडिंग्स है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 1। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूनिट 3 का। तो इसके अंदर टोटल 4 मेन पॉइंट है, जिसमें से फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है कंटेंट्स। कंटेंट्स के 6 सब पॉइंट्स है, जिसमें से फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, सेकेंड है काइंड्स ऑफ रीडिंग, थर्ड है हाउ टू रीड, फोर्थ है व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिफ्थ है डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, सिक्स है मॉडल पैसेजेस, थर्ड जो मेन है वो है लेटेस्ट समअप, और फोर्थ है सजेस्टेड रीडिंग्स। तो एक्चुअल में ये जो आपका पूरा यूनिट है तीसरा, ये आपको काइंड्स ऑफ रीडिंग के बारे में बताएगा, रीडिंग की इम्पॉर्टेंस के बारे में, हम पैसेज को कैसे रीड करें, कौन सी हैबिट यूज़ करें, कौन सी ट्रिक यूज़ करें, तो ये सब हमें यूनिट 3 में देखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव्स को। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि आप ये यूनिट को सीखने के बाद क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो है कि डिफरेंट मेथड ऑफ रीडिंग आपको समझ में आएंगे, हाउ टू रीड बेटर वे, यानी कैसे आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, फिर उसके बाद पैसेज को कैसे रीड करना है और पैसेज के क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये भी हम यूनिट 3 में सीखेंगे। तो चलिए इसके हम ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आगे की स्लाइड पर चलते हैं। रीडिंग स्किल को समझने से पहले हम कुछ बेसिक लैंग्वेज स्किल को समझ लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है प्राइमरी स्किल और सेकेंड है सब स्किल। सब स्किल जो है वो एक ऐसी स्किल है जो प्राइमरी स्किल को बढ़ावा देती है, या हम कह सकते हैं उसे डेवलप करने में हेल्प कर सकती है, जो कि है ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनंसिएशन, नॉन वर्बल एंड यूसेजेस। लेकिन प्राइमरी स्किल क्या है? प्राइमरी स्किल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिसेप्टिव और सेकेंड है प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव के मीनिंग होते हैं इनपुट। इनपुट यानी कि आप उसे किस तरह अडॉप्ट करते हैं, और प्रोडक्टिव के मीनिंग होते हैं कि आप उसे किस तरह जाहिर करते हैं, यानी आउटपुट। जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव है, और स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव है। तो आपको समझ में आ गया, प्राइमरी स्किल को अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए हमें सब स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा जो फोर्थ लैंग्वेज स्किल है वो है लिसनिंग। लिसनिंग के मीनिंग होते हैं सुनना, यानी कि लिसनिंग फॉर मीनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव एंड अटेंटिव लिसनर्स नॉट ओनली पे अटेंशन टू वर्ड्स, दे ऑल्सो फोकस ऑन द इंटेंट ऑफ ईच वर्ड, द मैसेज अ वर्ड इज इंटेंट टू कम्युनिकेट। यानी कि अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तभी आप एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे दूसरे इंसान को अपनी बात समझाने के लिए। इसलिए लिसनिंग जो स्किल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो सेकेंड है स्किल का वो है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल इनकम्पसेस अ वैरायटी ऑफ स्किल्स दैट कैन परमिट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हैविंग स्ट्रॉन्ग रीडिंग एबिलिटी कैन एनेबल यू टू इंटरप्रिट एंड फाइंड मीनिंग, एंड व्हेन यू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव दिस स्किल यू कैन डेवलप योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू राइटिंग। यानी कि अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो तभी जो है आप एक अच्छे इंटरप्रिटेटर, और साथ ही साथ जो मीनिंग फाइंडिंग होते हैं वो आप कर सकते हैं। यानी कि आपको रीडिंग जब आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपकी जो समझने की, साथ ही साथ आपके ट्रांसलेट करने की, किसी वर्ड को ढूंढने की, ये सारी एबिलिटी जो है वो आपके अंदर अच्छी तरीके से डेवलप होती है। और अगर आप स्किल को और अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं तो आप साथ ही साथ राइटिंग भी जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकेंगे। हमारी जो थर्ड स्किल है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। गुड राइटिंग स्किल अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विद क्लियरिटी। यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, जो हमें राइटिंग स्किल है। ये अगर आप इसे अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं तो आप अपना जो भी मैसेज है वो क्लियर तरीके से सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है
स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स आर डिफाइंड एज द स्किल्स विच अलाउ अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. दे गिव अस द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली एंड इन अ वे दैट द लिसनर कैन अंडरस्टैंड. यानी कि स्पीकिंग जो स्किल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन को काफ़ी इफेक्टिवली करती है. किसके कंपैरिजन में? राइटिंग स्किल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये आप जो है आप खुद सामने होते हैं किसी भी इंसान से बात करते टाइम पर, तो जो भी आप बोलेंगे तो उसे ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और वो अच्छी तरीके से आपकी बात पे कन्वे हो सकेगा. इसीलिए जो फोर्थ नंबर की जो स्किल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो है स्पीकिंग स्किल. हमारी जो लास्ट स्किल है जो कि मैंने इंक्लूड की है हमारी फोर स्किल में, वो है थिंकिंग. थिंकिंग स्किल इंक्लूड थियोराइजिंग, प्रेडिक्टिंग, एवल्यूटिंग, मेमोरी, recall and thought organization. They are something that everyone has but not everyone knows how to use them effectively. यानी कि जो ये फोर हमारी टाइप की जो स्किल होती है ये हमें ज़्यादा डेवलप करने पर एक नई स्किल को हमारे अंदर डेवलप कराती है, वो है थिंकिंग स्किल. यानी कि अगर आपके पास कुछ मटेरियल होगा तभी आप उस चीज़ पर सोच सकेंगे, और हमारी फोर स्किल इसी चीज़ में आपकी हेल्प करती है. हर किसी की थिंकिंग स्किल जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, ये होती डिपेंड होती है अपने नॉलेज पर, हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है उस पर, और साथ ही साथ जो भी हम आसपास हमारे इन्वायरमेंट में महसूस करते हैं उसी से हम क्या करते हैं, हमारी थिंकिंग जो स्किल है उसको बढ़ाते हैं. तो इस तरह हमारे जो ये फाइव स्किल्स है ये हमने आज सीखे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.